आज हम बनाएंगे गार्डन के लिए मशरूम। तो कैसे बनाएंगे और उसके लिए क्या क्या चाहिए, आइए चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमने ली है एक प्लास्टिक की परात, भी घर में मिल जाती है, छोटी बड़ी आप कैसी भी ले सकते हैं। और हमने लिया है ऑयल, ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं। और चाहिए हमें सीमेंट, ऑयल इसके चारों तरफ लगा लेंगे। ऑयल लगाने से जो हमारा मशरूम का ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आराम से जब निकालेंगे तो निकल जाएगा। अब इसमें हम ये सीमेंट डाल लेंगे। ये जो बांस की जो लकड़ियाँ मैंने डाली हैं ये आपको तीन स्टेप में डालनी है। शुरू में थोड़ा मसाला डाल के फिर से लगानी है, फिर बीच में लगानी है और अपने लास्ट में भी लगाई है। अब इसके ऊपर हम थोड़ा सा मसाला और डाल देंगे। पाइप इसके अंदर हम मसाला भर देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए और टूटे नहीं वजन से। आप ऐसे थोड़ा सा पतला पेस्ट बना लें, ज़्यादा पतला भी ना बनाएं। और इसको सीमेंट और बजरी से मसाला बना के भर दें पूरा, इससे ये काफ़ी मजबूत हो जाएगा और टूटने का जो डर है बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। भर लिया है, मिनिमम 7 से 8 घंटे हम इसको सेट होने के लिए छोड़ देंगे। मशरूम का जो हमने ऊपर का बेस तैयार करा था वो सूख गया है, इजीली निकल जाएगा क्योंकि हमने परात के ऑयल लगा दिया था। तो निकाल के दिखाते हैं आपको, और आप देख सकते हैं इसके ऊपर की शेप जो है एकदम सही आई है। तो इसके नीचे का तना बनाएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। अब इसके नीचे का बेस बनाएंगे, तो उसके लिए हमने लिया है एक छोटा सा पॉट इस तरीके का, और साथ में लिया है हमने बहुत टाइट सा सीमेंट। तो आप ऐसे नीचे जैसे हमने पहले ऑयल लगाया था ऐसे ऑयल लगा लें इसके, तो इजीली निकल जाएगा। पूरी इसमें ये छोटा टब है, इसमें पूरे में ऑयल लगा लेंगे। अब इसमें हम ये सीमेंट डाल लेंगे अच्छे से पूरे में। और अब ये जो हमने मशरूम के ऊपर का स्टेन बनाया है उसको हम सीधा खड़ा कर देंगे। एक जन की आप हेल्प ले लें इसके लिए पकड़ने में। और ये जो नीचे का बैटर जो बनाया है मसाला हमने, उसमें थोड़ी सीमेंट ज़्यादा है और बजरी कम है। इस तरह से आप पत्थर लगा के इसको थोड़ा टाइट सेट कर लें तो ये हिलेगा नहीं। अब इसका थोड़ा सा जो तना हमें नीचे से मोटा बनाना है उसके लिए हम इसके अंदर पत्थर लेंगे। पत्थर लेते टाइम आप ये ध्यान रखें ये जो शेप है इससे थोड़ा थोड़ा हम इसको अंदर लेंगे एक उंगली जितना, ताकि हमारे जो ये तने की शेप है ये तो आप इससे एक उंगली जितना अंदर लें और चारों तरफ जमा दें इसके पत्थर। इस तरह आप 2 लेयर इनके पत्थर की जमा लें। इसको मसाले से सेट कर लें। लकड़ी को काट के पतली पतली आप स्टिक बना लें और ऐसे रख के उसको इसके नाप का काट लें। ये आपको दिखाने के लिए रहे, हमने काट के रखी हुई है। और आप इसको इस तरह से लगा लें ताकि मशरूम के जो तने की शेप है वो आ जाएगी। चारों तरफ लगा देंगे और फिर ये थोड़ा सा यहाँ से नैरो हो जाता है यानी सकड़ा हो जाता है, तो इसको हम वायर से बांध देंगे इसके
शेप अच्छे से आने के लिए। जैसे आप एक वायर ले लें और थोड़ा सा इसको शेप देने के लिए हम ऐसे बांध लें, इस तरह इसकी परफेक्ट शेप आ जाएगी। ये शेप आ गई है, पत्थर भी भर दिए हैं। अब इसमें हम सीमेंट भर देंगे शेप देते हुए। इस तरह से आप सीमेंट लगाते हुए इसको क्लीन करते चले जाएं। बांस की जो डंडी हमने लगाई है, ये और पत्थर दोनों ही नहीं दिखने चाहिए। इससे दो बेनिफिट होंगे, एक तो अच्छे से इसकी शेप आ जाएगी और दूसरा इसको अच्छे से ऊपर तक और सपोर्ट मिल जाएगा, ताकि ये पूरा एकदम से अच्छे से स्टैंड जैसा बन जाएगा। और अब इसको हम इसे पॉट के बाहर निकाल लेंगे। व्हाइट कलर कर दें, व्हाइट पेंट, प्लास्टिक पेंट ही करें, और उसके बाद में नीचे वाला जो है वो हम व्हाइट ही रखेंगे और ऊपर वाले को रेड करेंगे। देखिए मेरा सूख गया है पेंट, आप देखिए। अब इस पर हम लाल रंग कर देंगे। व्हाइट पहले आप कर देंगे तो फिनिशिंग बहुत जल्दी अच्छी आ जाएगी। एक कोने में हमने इसको रखा है गार्डन के, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा है, आप देखिए। जितना इसको बनाना आसान है उससे ज़्यादा ये खूबसूरत लग रहा है। साइड में दो छोटे और रखे हैं, ये घर में दो छोटे बच्चे हैं, उन्होंने बनाए हैं। और इसको बनाना तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके नीचे स्टेन नहीं है। दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये जो पेंट के डब्बे हमारे खाली होते हैं उसी में इन्होंने इसको मसाला भर के, और छोटे जो अपने घर में प्लास्टिक के जो बाउल होते हैं उसी से बनाए हैं, दोनों ने बनाए हैं ये। तो ये छोटे वाले भी आप बना सकते हैं रखने के लिए, ये देखिए बहुत ही खूबसूरत लग रहे हैं। आप भी बनाएं अपने गार्डन का या ड्राइंग रूम का या लोबी का कोई भी एक कोना अच्छे से आप सजा सकते हैं इस तरह से। तो ये आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, और इसे बनाएं।